सर मैं जो आपने जो सवाल मुझे भेजे थे व्हाट्सएप पे वो मैंने सब सब सेट कर दिया, जैसा आपने बोला था वैसा कर दिया, वो तख्ती वगैरह सब सेट हो गई है, वो सब देखिए सर सब सब सेट जी, हो गया, एक एक सवाल सब सेट, बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो मेरी एंट्री कहाँ, इधर से रहेगी सर? वो वहाँ से आप आइए, मैं आके आपको वेलकम करूँगा, फिर मैं ऐसे कर, ठीक है? तो मैं इधर से आ जाऊँ जी? आइए आइए। नमस्ते जी। मोदी जी क्या बात है सर, कैसे हो भैया? बहुत अच्छा हूँ सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी हो रही है, आज मोदी जी स्वयं यहाँ पर आ गए हैं और आज मैं इनसे कोई पॉलिटिकल यानी कि सवाल नहीं पूछूंगा, आज मैं इनसे ये कैसे इंसान है और अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एज ए ह्यूमन बींग ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें पूछूंगा। तो सर पहला सवाल कि पूरा देश आपको इतना पसंद करता है, पूरी दुनिया आपको पसंद करती है, लेकिन मोदी जी को क्या पसंद है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में बहुत गरीब था, हाँ। और हम गरीबी में पले बड़े हैं। जी हाँ जी हाँ। ऐसे पसंद ना पसंद ऐसा हमारा कुछ था नहीं जी, लेकिन उम्र के हिसाब से चीजें बढ़ती बदलती है जी जी। मतलब चाय बेचा करता था जी, तो एक लड़का था। अच्छा, लड़का पसंद था आपको? नहीं, लड़का पसंद नहीं था। अच्छा अच्छा। वो लड़का जो था वो कुल्फी बेचा करता था। उसके कुल्फी बेचने का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद था। क्या बात है सर। अच्छा, कुल्फी से याद आया सर, अभी अभी यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नॉर्मल ऐसे, उनके सवाल ऐसे होते हैं, मेरा ड्राइवर है उसकी बच्ची एक दिन पूछ रही थी कि आप मोदी जी से मिल रहे हैं तो उन्हें पूछना कि क्या उन्होंने कभी कुल्फी खाई है? और अगर खाई है तो यानी कि कैसे खाई होगी सर, बताइए आप। बिल्कुल जी, बचपन में मैं अपने बाप को बताया कि मैं बहुत गरीब था। हाँ, वो बताया आपने। ऐसे कुल्फी कालती हमारे लाते नहीं थे कभी। अच्छा। लेकिन जो मेरा मित्र था जी, वो मुझे चाय के बदले कभी कभार कुल्फी दे दिया करता था एक्सचेंज में। क्या बात है। तो मुझे कुल्फी खाने में उतना मजा नहीं आता था जितना उसे चूसने में आता था। अच्छा। और मैं चूसते चूसते कुल्फी को इतना चूसता था कि उसकी डंडी बचती थी। अच्छा। और डंडियों को मैं आपको बताऊं, हाँ। मैंने बचा करके 2014 तक उन डंडियों को रखा। 2014 मतलब बाद में क्या किया आपने उन डंडियों को? देखिए वैसे ये नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है जी, अगर पॉलिटिकल इंटरव्यू होता तो मैं आपको कहता कि आप जाकर के कांग्रेस वालों से पूछो कि मोदी जी ने उन डंडियों का क्या किया है। पर ये तो आपने बता दिया ना फिर, वो आप थोड़ा एडिट कर देना इसे। थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा सर, अभी चलते चलते थोड़ी बात करते हैं सर। हम सब जानते हैं कि बचपन में आप यानी कि चाय बेचते थे और काफी आपने स्ट्रगल किया है, तो जब आप चाय बेचा करते थे तो क्या तकलीफें होती थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती थी? देखिए अक्षय भैया, मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम तो बचपन से ही थी हमें, क्योंकि हमारा परिवार बेहद गरीब था। वो बताया आपने, सुन लिया हमने। मैं जब चाय बेचा करता था जी, तो लोगों से वादा किया करता था जी कि आप एक कप चाय लीजिए, हाँ। आपको इसके साथ बिस्कुट का पैकेट भी फ्री मिलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर जब आप चाय के साथ बिस्किट का पैकेट दे देंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे होता था? वो पैकेट मैं खाली दिया करता था। अच्छा, आपने मैंने ऐसा थोड़ी ना भरा हुआ पैकेट दूंगा, ऐसा थोड़ी कहा था। क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए सर आगे चलते थोड़ा, और मेरे पास और भी कई सवाल हैं सर। जैसे हमने सुना है कि आप रात में सिर्फ 3-4 घंटे ही सोते हैं, तो मतलब नींद कैसे पूरी होती है? 3-4 घंटे में तो नहीं हो सकती ना? देखिए भैया मैं आपको बताऊं जी, मैं बहुत गरीब, ये तो इसमें नहीं बैठेगा, दूसरा इसमें करने। हाँ हाँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी, मैं 3.5 घंटे सोता हूँ जी, ये बात बिल्कुल सत्य है जी जी जी। लेकिन लोग कहते हैं 3.5 घंटे में नींद कैसे पूरी होती है? भैया मैं रात में 3.5 घंटे सोता हूँ, बाकी जो घंटे बचते हैं वो मैं दिन में सो लेता हूँ। अरे लेकिन सर ये कभी बताया नहीं आपने किसी? देखिए मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। ये बात सही गई सर। मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जोक मैं आपको बड़ा मुँह छोटी बात सुना गया। कहाँ गई वो थी? एक्चुअली सर मैं भूल गया। नहीं वो मुझे सुनाना था एक्चुअली, आपने सुना, आपको सुना। अच्छा अच्छा जी। देखिए मैं आपको चुटकुला सुनाता हूँ जी। अमित शाह जी ने एक बात सुनाया था जी, एक बार एक चींटी होती है, चींटी चींटी उधर से हाथी आता है, तो भैया हाथी और चींटी मिलते हैं, बाघ खत्म हो जाती है, मोदी जी का गठबंधन हो जाता है। यू आर सो फनी मोदी जी, यू आर सो फनी। सर हमने सुना है कि आपको गाने बजाने का बड़ा शौक है। गाने का शौक नहीं है, बजाने का मतलब गाने सुनने का शौक है। अच्छा जब मैं सोचा बजा नहीं नहीं भैया काट देना ये थोड़ा। हाँ थोड़ा ध्यान रखना सर। आप हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं सर, हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, ये कैसे हुआ?
देखिए जी, मैं बचपन से शाखा में जाता रहा। जी जी हाँ, शाखा में हमारे एक मित्र थे मुंशी प्रेमचंद। सर लेकिन वो तो काफी पुराने। वो मुंशी प्रेमचंद है, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, हमारे मित्र थे मुंशी प्रेमचंद। हाँ। उनका प्रेमचंद नाम था। अच्छा। लोग उनको मुंशी मुंशी करते थे। अच्छा, उस हिसाब से। तो उनसे हमने हिंदी सीखी। ओ वाह वाह, जिंदगी में काफी कुछ सीखने को मिलता। जी जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, एक सेल्फी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया पूरा अभी सर, वो तख्ती वक्ती जितने भी आप बोले थे सारे हो गया सारे, इसको अच्छे से अपन एडिट वेडिट करके कर दीजिए। जी जी जी, ठीक है। आइए सर, चाय कॉफी। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए।